हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। काफ़ी लंबे समय के बाद वापस मिल रहे हैं। बीच में 3 या 4 दिन का गैप हो गया है, और वो इसीलिए कि क्लास 12th के एग्ज़ाम थे, उसमें बिज़ी हो गए थे। तो आज मैं आपको एकदम नए टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ जो है अंग्रेज़ी का, उसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग टू ए वेरी क्रिटिकल फेज़ ऑफ इंग्लिश। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप इसे समझ लेते हैं, आई थिंक लाइफ विल बी वेरी मच ईजियर, बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। प्रोवाइडेड एज ऑलवेज आई से दैट यू मस्ट हैव गुड वोकैब पावर। इफ़ यू हैव गुड वोकैब पावर एंड इफ़ यू नो ऑल दिस थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टीच टुडे, आई होप यू विल बी थ्रू एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो देखते हैं क्या है आज, और मैंने पहले क्या पढ़ा है वो सब पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन वी विल मूव फर्दर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडे। ये जो टॉपिक है, ये 2-3 क्लासेस चलेगी इसकी, पर आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ इट, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अदर ऑल्सो अदर क्लासेज ऑफ दैट वॉट टॉपिक। आई एम नॉट रिविलिंग द टॉपिक, यू कैन सी, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू ऑन बोर्ड, लेकिन अभी मैं सब बताने वाला हूँ क्यों नहीं रिवील किया, किस लिए। क्योंकि मैं पहले वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ व्हाट आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लासेस, एंड इफ़ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ दीज वीडियोज़ देन यू कैन वॉच इट अगेन एंड देन यू कैन कम टू दिस प्लेटफॉर्म व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो बेटर यू जस्ट फोकस एंड थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट इन प्रीवियस क्लासेस। लेट अस सी। Already learnt, I have written here. पहले सीख लिया। Tenses, how many? 12. 4 of present, 4 of past, 4 of future. And in that formation, what we have learnt? Affirmative, negative. That is one part of declarative types of sentences. में मैंने वो आपको करवा दिया। फिर interrogative part में ही दोनों तरह के interrogative हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एक helping verb type है, इसका यस या नो आंसर मिल जाता है, और WH इंटरोगेटिव। फिर इम्परेटिव, इसका पूरा अलग से सेक्शन मैंने करवा दिया आपको, जिसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है वर्ब से ही किसी चीज़ को बोलना, जिसमें आपके ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट सारी चीज़ें आ जाता है, और लेट से भी कुछ वाक्य बनते हैं, वो मैंने बता दिया है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब शर्त वाले वाक्य, जो वाक्य आपके कंडीशंस से हैं कि एक चीज़ आपने करी तो फिर दूसरा करोगे, या एक चीज़ करी और उसके बाद दूसरा नहीं करोगे, वॉट एवर इज़ द केस। कुछ एक ऐसा शर्त अपने लिए, दूसरे के लिए रख लेते हैं शर्त, वैसा वाला शर्त नहीं, एक मतलब यू कैन से दैट कंडीशन। कंडीशन मीन्स एक ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि इस स्थिति के बाद ही वो स्थिति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये सब होने के बाद में, नाउ टुडे वी आर बैक विद इंग्लिश ग्रामर क्लास, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव टू पैसिव। वेरी वेरी वाइटल। इफ़ यू आर इन क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द टाइप्स, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर RAs, मेन्स और RJs, एवरी वेयर दे आर गोइंग टू आस्क यू। ओनली पूछने का जो तरीका होगा उसका मोड अलग अलग होगा, कहीं मल्टीपल होगा, कहीं पे आपको लिखना होगा, बस इतना ही है, और कहीं पे फिलअप्स भी बना देंगे इसको। तो ये बेस आपको समझना है, वाई वी नीड पेसिव। एक्टिव और पेसिव में फ़र्क क्या है, पहले तो वो देखते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब, जैसे कि अगर मैं लड़ाई की बात कर लूँ, तो एक्टिव लड़ाई का मतलब होता है आमने सामने की लड़ाई, कि जो दुश्मन है वो आपके सामने है, सो दैट इज़ वॉट एक्टिव। और पेसिव का मतलब क्या था? परोक्ष, हिंदी में एक शब्द है, पीछे से वार करने वाला, या पेसिव का मतलब पीछे रहने वाला। और वैसे उदासीनता के लिए भी पेसिव का यूज़ करते हैं, तो सब तो इसके कई सारे मीनिंग हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पेसिव का मतलब ये है कि वी डोंट नीड टू शो अवर सब्जेक्ट। हमें कर्ता को, यानी डूअर, कर्ता तो अंग्रेजी का कौन होता है, जिसके बारे में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं कर्ता, बट एग्जैक्टली मैं बोलूँ डूअर, डूअर का मतलब जो एक्शन करने वाला है, वो हमें सामने नहीं दिखाई देगा, ये दिखेगा ही नहीं, वो कहीं हिडन होगा या पीछे की तरफ रहेगा। अभी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमें करने की ज़रूरत ही क्यों,
दैट इज इनफ फॉर अस 12 sentences, इसी में हम काम चला सकते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो करने वाला होता है वो अपने आप में ही एक प्रकार से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब कि अगर मैं बोलूँ को मैं ये बोलूँ कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, या मैं ऐसे बोलूँ कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपको कौन सा बेटर लगेगा? कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया. क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये जो गिरफ्तारी का कार्य है वो कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं. तो कई जगह हमें सब्जेक्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है. अगर ऑपरेशन कर रहा है कोई मरीज का तो कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा. तो ऐसे में ऑपरेशन जो पेशेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी तो ऑपरेशन तो डॉक्टर करेगा ही करेगा, और तो कोई कर ही नहीं सकता. तो कई जगह पर ऐसी फील होती है, ऐसा महसूस किया जाता है, वी डोंट नीड सब्जेक्ट एट द फ्रंट. इफ एट ऑल वी वॉन्ट टू शो द सब्जेक्ट, तो हम उसको पीछे दिखा देते हैं. उसकी महत्वता या कह लो उसकी इम्पोर्टेंस या कह लो उसकी महत्व को हम घटा देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है जिस पे क्रिया का असर होता है उसको महत्व ज़्यादा देते हैं और उसको आगे ले आते हैं. और जब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाते हैं दैट ओनली बिकम्स पेसिव, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया, इसलिए पेसिव. कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी है, देन आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग लाइव टूडे. सो एक्टिव टू पेसिव ये टॉपिक है, और ये टॉपिक चेंज ऑफ वॉइस के नाम से भी जाना जाता है. चेंज ऑफ वॉइस में क्या होगा कि पेसी से एक्टिव भी बनाना आ सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा. आज हम मेरा फोकस ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्टिव टू पेसी. तो अगर आपने एक्टिव टू पेसी सीख लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. देन यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इफ इट इज ऑफ एक्टिव देन यू हैव टू चेंज इन टू पेसिव, एंड इफ इट इज ऑफ पेसिव देन यू हैव टू चेंज इन टू एक्टिव. दैट बिकम्स चेंज ऑफ वॉइस. तो कई सारे एकेडमिक्स में भी और कंपटीशन में तो है ही चेंज ऑफ वॉइस के नाम से आता है, लेकिन आज अगर हम एक्टिव टू पेसिव सीख लेंगे देन ओनली आई कैन टेल यू हाउ इट इज डन. तो हम देखते हैं. तो पर्पज़ मैंने एक शॉर्ट में बना दिया है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू बी गिवन इम्पोर्टेंस, जब कर्म को महत्व देना है उस वक्त हम पेसिव का प्रयोग करेंगे और एक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे. तो देखो, आपको मैंने एक यहाँ पे रूल बना के रखा हुआ है. कोई भी टेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट आगे आता है एक्टिव में, और उसके बाद में या तो वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आता है. यही फॉर्मेशन चलती है. वो 12 tenses जो लिखे हुए हैं उनमें से जो भी फॉर्मेशन चलती है वो ऐसे चलती है, या तो सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब आ जाता है, या हेल्पिंग वर्ब कोई आता है उसके बाद में वर्ब आता है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है. और ये जो वर्ब है इसका जो असर है वो किस पे पड़ता है? इस पे. तो ये आपका कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, जो हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं. अब मैंने पेशी को एक रफ सा बना के रख लिया है फॉर्मेशन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए. अब मुझे करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, क्योंकि मुझे इसको महत्व देना है. ऑब्जेक्ट इज टू बी गिवन इम्पोर्टेंट. तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आ रहा हूँ. किसके स्थान पे? सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आ रहा हूँ. इसीलिए ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट बनकर आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते. इसीलिए ये चार्ट के अंदर ध्यान से आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. वो नीचे चार्ट बना रखा है, वो भी अभी समझाऊंगा. तो ये जो चीज़ है ऑब्जेक्ट, वो इधर आ तो जाएगा लेकिन उसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा. बिकॉज अंग्रेजी में ये एक रूल है कि जिसके बारे में लिखते हैं वो सब्जेक्ट बन जाता है बाद में. तो ऑब्जेक्ट को हम अगर सब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं तो उसका जो फॉर्म होगा वो तो सब्जेक्ट रूप में रखना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट रूप में नहीं रख सकते. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. खास बात इस फॉर्मेशन की क्या है, पेसिव की? इसकी में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा. इसमें तो देखो आप, हेल्पिंग वर्ब कई बार नहीं है, और वो 2 tenses हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. उसके अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बाकियों में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा. और ये हेल्पिंग वर्ब मेनली बी है, और बी का मतलब क्या है? इज आर एम, या क्या है? बीइंग, या क्या है? बीन. वो अभी सब पता लग जाएगा, मैंने रफली लिख दिया है. मतलब बी की फॉर्म जोड़ते हैं इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब. और एक और स्पेशल चीज़ है यहाँ पर, बहुत ही इजी बना देता है इसे, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन भी बढ़ जाता है. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है इसके अंदर, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का है. अब क्या होता है कि बचपन में कभी हम लोगों को किसी के द्वारा सिखा दिया गया, और मैंने मान लो कि पढ़ते वक्त ये समझ लिया कि थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट के लिए आती है क्योंकि उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल है.
तो वहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। अगर किसी को थर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है या सेकंड फॉर्म टाइप लगता है, एक ही होते हैं कई बार सेकंड थर्ड फॉर्म, लोग तुरंत बोल देते हैं सर पास्ट का ही। नहीं, अब आपको हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करके बताएगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज ऑफ द पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्ब की फॉर्म तो आपकी थर्ड ही रहने वाली है। ये पॉइंट भी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद यहाँ एक प्रीपोजिशन लेते हैं। प्रीपोजिशन यहाँ पे बाई मैंने लिखा है और उसके नीचे लिखा है मैंने जनरली। जनरली क्यों लिखा है कि 80 से लेके 90, क्या मैं 95% भी कहता हूँ तो गलत नहीं होगा, बाई आता है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है? सब्जेक्ट से, मतलब यहाँ से एरो मैंने ऊपर की तरफ बनाया, वहाँ नीचे की तरफ बनाया। अब ये जब चीज़ें चेंज होगी तो क्या स्थिति बनेगी? वो ये बनेगी, अगर मेरे पास में यहाँ पे ओरिजिनली आई था यहाँ पर, तो मैं इसको इधर रखूँगा ले जाके, मतलब तो ये बन जाएगा मी। अगर यहाँ पर वी था तो इधर ले के रखूँगा तो अस बनेगा। अगर यहाँ पे ही था तो इधर रखूँगा तो हिम बनेगा। अगर सी है तो हर बनेगा, इट है तो इट ही रहेगा, यू का यू रहेगा और दे का देम हो जाएगा। और अगर ये चीज़ इधर है और इसको इधर लाएंगे तो ये इधर दे बनकर आएगा। तो मतलब आगे पीछे ये हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बिल्कुल ही लाइव करके बताता हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो देखते हैं, तो यहाँ पर अब क्या सीखना है अपने को, टेंस वाइज ही सीखना पड़ेगा। तो मैं एक बहुत छोटा सा चार्ट बनाने वाला हूँ और उसके बाद सारे एग्जांपल्स आपको करवाने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी आपको समझ में आने वाला है, इट्स सो इजी। एक बहुत ही छोटा सा मैं चार्ट बना रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव का। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको पता लग गया। आपको फिर से मैं बना रहता हूँ यहाँ पे जनरल सब्जेक्ट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे सीधा वर्ब आ सकता है या हेल्पिंग वर्ब आ सकता है या ऑब्जेक्ट। ये जनरल रूल है एक्टिव का। मुझे अब क्या करना है, इसको तो यहाँ लेके जाना है, ये ऑलरेडी समझ में आ गया, इसको यहाँ लेके आना है और ये जो वर्ब की पोजिशन है इसको मुझे थर्ड फॉर्म लाना है। तो ये चीज़ें तो जनरल हो गई आपकी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है। और इससे पहले बाई जोड़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, चलो एक बार और लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, हेल्पिंग वर्ब होगा तो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बनेगा वापस पेशी में, और अगर सिर्फ वर्ब है तो भी हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो मतलब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और चाहे वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है जो भी हो ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होगा, और वो हेल्पिंग वर्ब भी हमें सीखना पड़ता है। बस बाकी चीज़ें आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लो एक्टिव से पेशी बनाने के लिए क्या किया हम लोगों ने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले गए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आ गए, वर्ब था ये हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब था वो कन्वर्ट होगा हेल्पिंग वर्ब में ये, और इसके बाद में जो वर्ब की पोजीशन है वो हमेशा किस में रहेगी, थर्ड फॉर्म में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रेजेंट ग्रुप का बना रहा हूँ, देखो कितना आसान है ये। प्रेजेंट ग्रुप में आपके पास में चार टेंस हैं, उसमें से आपके कितने बनेंगे वो भी देखते हैं लाइव। तो प्रेजेंट में अगर मैं यहाँ पे छोटा सा चार्ट जो बोला था वो वापस यहाँ पे मैं लिख के देख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। प्रेजेंट ग्रुप में पहला टेंस कौन सा था हमारा, प्रेजेंट सिंपल। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है। इसकी वर्ब की फॉर्म देखो, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या यूज़ करता है, एस सी एस, वो सारी कहानी ऑलरेडी हैज़ बीन टॉट टू यू और वो आपने देख लिया होगा। अब इसमें मुझे हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। अब वो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए वही याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए इज़ आर एंड प्रेजेंट सिंपल के लिए, और वर्ब की फॉर्मेशन हमेशा क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ से स्थितियाँ क्लियर भी हो जाएगी तो कन्फ्यूजन भी बढ़ जाएगा। क्यों, ई जा रहे हैं तो बी की फॉर्म है, ऑलरेडी हमने बी की तरह भरा हुआ है, ई जा रहे हैं के बाद आई एन जी भरा हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव है। अब यहाँ ई जा रहे हैं के बाद में क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो इट बिकम सो ईजी। अब मैं इसका लाइव एग्जाम्पल करके बताता हूँ, ही प्लेज फुटबॉल, ये एग्जाम में आ गया आपको। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। देखो प्रेजेंट सिंपल का नियम है, एक एक करके बताऊंगा तीनों टेंस का जिनके बनते हैं, एक का नहीं बनता, वो नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता, दैट आल्सो आई विल टेल यू व्हाई इज नॉट पॉसिबल। सो ही प्लेज फुटबॉल। अब ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है तो फुटबॉल ही रह जाएगा क्योंकि ये तो प्रोनाउन तो है नहीं,
नॉन वैसे के वैसे रह जाते हैं। अब फुटबॉल के लिए इनमें से क्या लेंगे, इज लेंगे, ये आ गया इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, और बाई, और ये ही देखो इधर आएगा तो ये क्या जुड़ जाएगा, हिम। सो इसकी हिंदी दोनों की एक ही जैसी रहती है, वह फुटबॉल खेलता है, और यहाँ पर ये फुटबॉल से बोला जाएगा, फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा। मतलब बहुत ही पीछे धकेल दिया सब्जेक्ट को कि फुटबॉल खेला जाता है वो मुख्य चीज़ है, उसके द्वारा, लोगों के द्वारा, अगर ऐसा है तो वो पीछे का रख देते हैं। ये हो गया, एक और करके देखते हैं। सपोज आई राइट दैट ही, दोनों साइड में प्रोनाउन ले लेता हूँ, ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी को इधर लेके आएंगे तो चार्ट देख सकते हो, अभी आपको बताया था। तो आई के बाद में क्या आ जाएगा, एम, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, आई एम टॉट बाई, और ये ही यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट सिंपल का हो गया। अब दो टेंस और अभी बनाने हैं, चौथे का नहीं बनता वो भी बता दूंगा। तो देखा हम लोगों ने क्या जोड़ा, इसमें बी की फॉर्म जोड़ी, मैंने कहा बी का खेल है सारा, यहाँ पे बी का खेल है, इज आर एम थर्ड फॉर्म हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ और इसके नीचे लिख लेता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जिससे कि आपको पता लगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद रखना, अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर तो कन्फ्यूज़न ज़िंदगी में बनी रहेगी। सो बेटर यू अंडरस्टैंड। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम बी की फॉर्म है, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अब जब इसको पेसिव के लिए आएंगे तो बी की फॉर्म ऑलरेडी एक आ चुकी है, इज आर एम, पर बी की फॉर्म जोड़ना ही जोड़ना होता है, यही मैं कह रहा था आपको, जोड़ना ही जोड़ना होता है। अब कैसे जोड़ देंगे बी की फॉर्म, तो ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाएंगे बी को, और उसके लिए आईएनजी दिखा देंगे, तभी कंटिन्यूटी दिखेगी। तो ये बहुत ही एक पैटर्न है। सो ये बीइंग बन गया, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ये आपका तैयार हो गया, बाकी चीज़ें वैसे के वैसे ही है। अब मान लो कि मैं ऐसे कहता हूँ, ही इज वॉचिंग ए टीवी, तो आपका यहाँ भी आपको एग्जाम में तुरंत पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, इस पर ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब तो अब नया जो आएगा उस पर ध्यान देना। अब क्या होगा, ए टीवी आगे आ जाएगा, ए टीवी सिंगुलर केस है यहाँ पे, इसलिए इज आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसलिए क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड बाय हिम, तैयार हो गया। वह टेलीविजन देख रहा है, टेलीविजन देखा जा रहा है उसके द्वारा, देखा आपने, सब्जेक्ट को पीछे रख दिया। मान लो कि मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ए टीवी इज बीइंग वॉच्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेलीविजन देखा जा रहा है, किसके द्वारा, वो जोड़ देंगे बाय पीपल, बाय स्टूडेंट्स, कुछ भी है। इसलिए पेसिव की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि मेरे को टीवी का मान लो कि इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना है तो मैं टीवी आगे रख के लिख लूँगा, इसलिए चाहिए पेसिव। अब इसके बाद में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट का ले लेता हूँ, तो आपको ईजी वे में हो जाएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने मिटा दिया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा कि जो रूल है वो ये है, बहुत ही छोटा सा अंतर दिखाई देता है। क्या छोटा सा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से ही एक्टिव है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आता है, वह थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब इसको पेसिव बनाना है तो नेचुरली हैज हैव तो आएगा ही आएगा। अब इसमें बी की फॉर्म जोड़ना, बी की फॉर्म कौन से जुड़ेगी, थर्ड फॉर्म जुड़ेगी, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगा जो इसका मुख्य वर्ब है। बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल मैथ्स की तरह, इट इज़ लाइक ए मैथ्स ओनली। जिसने भी बनाया बहुत ही सोच समझ के ये स्ट्रक्चर्स दिए हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर, यू कैन जस्ट रिमेंबर एंड यू कैन डू इट। अब मान लो कि सपोज मेरे पास में ये है चेंज करने के लिए, ही हैज इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, ही हैज इन्फॉर्म्ड मी, सब्जेक्ट यह है, वर्ब यह है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये मी आगे आ रहा है, ये यहाँ पे सपोज था मी, मी इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई, आई के लिए अब क्या आएगा, है, और उसके बाद में क्या जुड़ जाएगा, बीन। अब इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, सो आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम। अब इसकी हिंदी क्या बन गई, वह मुझे सूचित कर चुका है या कर दिया है, और मुझे सूचना दी जा चुकी है उसके द्वारा। होप
आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथे टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट ग्रुप में, तो उसमें क्या होगा आप देखते हैं, और मैं बाद में ये सारे पेसी जब करवा दूंगा, मैं ग्रुप वाइज करवा रहा हूँ। आज प्रेजेंट ग्रुप का ख़त्म कर दिया है, कल पास्ट ग्रुप का, फिर फ्यूचर ग्रुप का, फिर कंबाइंड में आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, और उस एक्सरसाइज में आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के बाद में जो भी टेंस है उस टेंस के नियम के हिसाब से उसको बदलना है। पर हिंदी का बड़ा याद रखना चाहिए, अगर हिंदी आपको पता लग रही है कि इसका हिंदी क्या निकल रहा है, इसकी हिंदी क्या निकल रही है, देन यू आर क्वाइट नियर टू राइट एंड स्पीक। तभी ये कहते हैं ना कि बोलने के लिए ग्रामर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं भी बोलता हूँ, बट थिंग इज दैट इफ यू नो ग्रामर यू कैन स्पीक इन मच बेटर वे। वाई? बिकॉज देन यू नो दैट वेदर यू आर स्पीकिंग एक्टिव और पेसी, यू कैन डिफ्रेंशिएट एंड देन यू कैन राइट और स्पीक, देन इट बिकम्स रियली गुड एंड इट लुक्स ऑसम। सो यू मस्ट प्रैक्टिस, एंड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिक्वायर्ड, सो प्लीज प्रैक्टिस एंड मेक इट फॉर योर सेल्फ। नाउ अब यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ अभी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का था। अब मैं नीचे चलता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या रूल है वो देख लेते हैं, और क्यों नहीं बनता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल ये है, अगर आपने ध्यान से टेंसेस सीखे हैं तो बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये बीच का है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका आगे पीछे आना, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। अब क्या है, बी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो बीन तक है, बीइंग यूज कर लिया, बीन यूज कर लिया, और वॉज वर यूज करेंगे पास्ट में, इसलिए मतलब वो सेकंड फॉर्म जो बीन है वो भी यूज हो गया, मतलब ये एक्सट्रीम पोजिशन आ गई। इसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं होता कि बीन को वापस हम कोई चीज में ट्रांसफॉर्म कर पाएं, वो यहीं तक हो पाता है परफेक्ट तक। परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए उसको हमें ट्रांसफॉर्म करने में बीन का कोई दूसरा रूप नहीं मिलता है, और इसलिए वो पैटर्न में नहीं आता है, इसीलिए दिस हैज टू बी लेफ्ट। तो आपको टोटल प्रेजेंट ग्रुप में कितने पेसी बन गए, तीन के बने, कौन कौन से बने, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्यों नहीं बनता है, दैट आल्सो आई टोल्ड यू, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल दिया नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए जा सकते, बट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस पेसी आई विल मेक यू नो 10 और 12 एक्टिव टू पेसी फॉर यू ऑल ऑन द बोर्ड। सो वो आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, अभी लर्निंग है, जस्ट कीप लर्निंग कि क्यों पेसी चाहिए था, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे कैसे आया, कैसे थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इस प्रकार से आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे भी आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। सो विद दैट आई कंक्लूड दिस क्लास टुडे एंड आई होप यू विल एन्जॉय नाउ मच मोर देन व्हाट यू हैव बीन। व्हाई? बिकॉज वी आर लर्निंग सो गुड टॉपिक एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर राइटिंग, फॉर योर स्पीकिंग एंड फॉर फॉलोइंग द थिंग्स। But before that, as usual, I say, please be at home, stay safe, because still corona is not controlled. It is out of control, in other terms, if I say. So stay at home and enjoy your online classes. Keep watching us and subscribe our channel and tell others also to subscribe, because many of the students are not known that Unique Paramount Science Academy is running online classes. They might be studying in different school, no problem. दूसरे school में भी पढ़ रहे हैं या दूसरे academy में भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। आपके अगर दोस्त हैं तो please tell them to subscribe. They can also improve till actual classes starts. With that, I say goodbye to you all. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. See you again.